तो अभी हम जी खूबसूरत गांव लस्पिरान की तरफ जा रहे हैं, जिस गांव में ये ड्रामा शूट हुआ था। वो ड्रामा भी इधर ही इसी साइड पे वो गांव है लस्पिरान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं आजकल मानसर आया हुआ हूँ और तकरीबन एक हफ्ता तकरीबन यहाँ रहूँगा, उसके बाद वापस जाना है नारायण कगान। जितने दिन मैं यहाँ हूँ तो आपको मानसरा की ब्यूटी भी दिखाई जाए, तो उसी सिलसिले में आज मैं जा रहा हूँ सिंकेरी वाली साइड। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत मकामात हैं, वहाँ उनकी सैर आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा। डडर, सोम और भी जो भी जगह हैं मैंने अपने दोस्तों से सुनी है, कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा है, तो काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, तो मैंने कहा उनको भी कवर किया जाए। और साथ ही आज हमारा कैंपिंग और कुकिंग का भी इरादा है, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका एक लाइक और एक जो कमेंट है वो हम क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रखता है, तो ज़रूर आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो जो जगह मैं दिखाऊंगा वो ये वाली जगह हैं, दादर, बोगड़बांग और दवाजाबाद। ये चारों ही बहुत खूबसूरत जगह हैं। आज हम जा रहे हैं नंबर वाइज इन सारी जगहों पर जाने की कोशिश करेंगे। मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है आज, और रास्ते में जो जगह हमें खूबसूरत लगेगी वहाँ पर रोक कर इंशाल्लाह हमने कैंपिंग और कुकिंग भी करनी है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही मज़े मज़े की वीडियोस आपके सामने आती रहें। तो ये देखिए जी नाज़रीन, क्या ही बात है इन व्यूज़ की। अभी ये छोटी सी सड़क है जिससे हम जा रहे हैं आगे डाडर बोगड़मांग वाली साइड पे, और हम ये भी इंशाल्लाह देखेंगे कि यहाँ पर कोई होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं टूरिस्ट की रिहाइश के लिए या नहीं, तो ये सारी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये आप लोग जो देखें कि ये जो रास्ता है और इसके इर्द गिर्द जो नज़ारे हैं, माशाल्लाह क्या ही बात है भाई इन नज़ारों की। यहाँ पर अभी हम लोग रोके हैं ये काशिफ होटल एंड नान शॉप, और यहाँ से अभी ले रहे हैं रोटियाँ वगैरह, वहाँ पर जाएंगे। हमारा इरादा है इंशाल्लाह चिकन कढ़ाई बनाने का, तो उम्मीद है कि अच्छी कढ़ाई बनेगी। यहाँ से हमने कहा रोटियाँ वगैरह ले लें, अभी तकरीबन 3:30 हो चुके हैं, भूख भी हमें काफ़ी लग चुकी है। और व्यूज़ आपको दिखाऊं तो इस पूरे एरिया के जो व्यूज़ हैं ना, माशाल्लाह क्या ही बात है, क्या ही कहूँ मैं इन नज़ारों के बारे में। और वो जो ड्रामा भी आपने है देखा होगा मेरे ख्याल से, वो ड्रामा जो लस्पिरान जिस गाँव में ड्रामा शूट हुआ था, वो ड्रामा भी इधर ही इसी साइड पर वो गाँव है लस्पिरान, वो भी यहाँ पर शूट हुआ था। अभी खैर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, देखते हैं कि जो जगह हमें सबसे ज़्यादा प्यारी लगेगी, जहाँ पर पानी वगैरह भी करीब हो और दरख्त वगैरह भी हो, ग्रीनरी हो, वहाँ पर हम लोग रुकेंगे, वहाँ पर आगे का काम जो है वो करेंगे इंशाल्लाह, आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो अभी हम ये खूबसूरत गाँव लस्पिरान की तरफ जा रहे हैं, और वो भी आगे ही कहीं पर आता है। वो गाँव है जो कि ड्रामा भी इसी नाम पर था, लस्पिरान नाम से, जिसमें जो आतिफ असलम का पहला ड्रामा था, साथ में कोबरा खान थी, वो ड्रामा काफ़ी मशहूर हुआ था, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो ये आप देखें कि आपको, अगर आपने ड्रामा देखा है तो आपको कुछ पता चल रहा होगा कि व्यूज़ उसी तरह के आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अभी हम लोग उसी साइड जा रहे हैं, अब पता नहीं वहाँ पर हम पहुँच पाएंगे या नहीं, वो कितना दूर है उसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन ये रोड वही है और उसी तरफ ये रास्ता जाता है। और व्यूज़ की बात करें तो सुभान अल्लाह क्या ही मज़ेदार व्यूज़ हैं इस जगह के। ये रास्ते में अभी हमें नज़र आए हैं जी समरलैंड होटल, और इसी तरह आगे देखें लाहौर गेस्ट हाउस, और मतलब ये वाले होटल्स जो हैं टूरिस्ट की रिहाइश के लिए मेरे ख्याल से बनाए गए हैं। और रूम रेंट की अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर रूम रेंट
इतना ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता, क्योंकि इस जगह पे अभी टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं आते। और आपको भी ये बात पता है कि जो भी होटल्स होते हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, वहाँ पर जो रूम रेंट्स वगैरह होते हैं वो रश की बिना पर कम या ज़्यादा होते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है रश बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर इतने लोग नहीं आते, तो इस वजह से यहाँ के रूम रेंट्स भी जो हैं वो काफ़ी कम होंगे। और जगह आप देखेंगे माशाल्लाह, जगह में कोई कमी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत जगह। अभी हम लोग भी थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, 5-10 मिनट आगे ड्राइव करते हैं, फिर देखते हैं अगर इससे ज़्यादा कोई प्यारी जगह आगे है तो वहाँ पर हम स्टे करेंगे। देखिए जी, उन होटल से तकरीबन 200-400 मीटर हम लोग आगे आए हैं और यहाँ गवर्नमेंट मेंटल जनरल अस्पताल भी है इस रास्ते पे, और यहाँ से ही हम अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे। देखते हैं गाड़ी लेके नीचे जा सकते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो जगह है माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जगह नज़र आ रही है, तो साथ साथ देखेंगे इसको। और हमने ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर हमें कोई पानी वगैरह भी मिले, जहाँ पर कोई दरिया वगैरह हो, जहाँ पर हम कैंपिंग कर पाएँ। देखते हैं इस रास्ते पे आगे हमें कोई ऐसी जगह अगर मिलती है फिर हम इंशाल्लाह वहीं पर आज कैंपिंग एंड कुकिंग करेंगे और नज़ारे आपको दिखाएंगे सारा कुछ इंशाल्लाह। कार पे आज हमें ऑफ रोडिंग वाले मज़े भी आ रहे हैं, कार पे जीप वाला एडवेंचर अगर आपने करना है तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, रास्ता इतना बुरा नहीं है, अच्छा रास्ता है, बस थोड़ा सा कच्चा है तो बाकी मामला सेट हैं इसके। अभी रास्ता आप देख ही रहे हैं कि कैसा रास्ता है। अभी यहाँ से हम अपनी गाड़ी को नीचे उतारते हैं अल्लाह का नाम लेकर, और बहुत ही स्लो स्लो हम इंशाल्लाह जाएंगे। और बस अभी हम अपनी डेस्टिनेशन के भी करीब आ चुके हैं, गाड़ी को उतार कर इंशाल्लाह यहाँ जहाँ भी हमें जितना करीब हो सके हम दरिया के उतना करीब जाने की कोशिश करेंगे। और जो भी है फिर गाड़ी लगा कर कैंपिंग एंड कुकिंग एंड ऑल द सीन्स। देखिए जी माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत नज़ारा है, ये यहाँ से दरियाए से बहता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है, वो सामने आप देखें सस्पेंशन ब्रिज कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और मेरे साथ आज जो मेरे दोस्त हैं, दोनों मेरे छोटे भाई हैं अब्दुलरहमान और नईम, आज मेरे जो दोस्त हैं वो तो नहीं थे अवेलेबल, तो मैंने इनको कहा कि चलें हम लोग ही जाते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो जगह माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। अभी यहाँ से नीचे हम गाड़ी लेके जा नहीं सके और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता वगैरह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने गाड़ी अपनी पार्क की है, ये देखें। और इसी यहाँ पर ही आप देखें ये दरिया का व्यू, और ये जगह हमने डिसाइड की है जी कैंप लगाने के लिए। अभी यहाँ पर हम अपना कैंप लगाएंगे, उसके बाद जो जो चीज़ें हमने लाई हुई हैं वो सारी यहाँ पर आपको दिखाएंगे, कुकिंग करेंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ आप लोग देखें और इन्जॉय करें। हमारा आज इरादा था कुकिंग वाली वीडियो बनाने का, तो चीज़ें हम साथ लेकर आए हुए हैं। ये देखें ये हमारे पास सिलेंडर है, इसमें गैस वगैरह भरवा ली थी हमने। और ये आ गई हमारी कढ़ाई, कढ़ाई में हम जो कुछ चीज़ें हमें लगती हैं उसके लिए, कढ़ाई बनाने के लिए सारी हम लेकर आए हुए हैं। ये आ गई जी हमारी प्लेट, छुरी, कुछ टमाटर, ये चम्मच हमारी आ गई, और सबसे मेन चीज़ जो है हमारा कैंप है, जो कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ होता है। तो पहले कैंप लगाते हैं उसके बाद फिर कुकिंग, देखते रहें आप लोग एंजॉय करें। ये हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी है, कैंप लग चुका है, नीचे आप दरिया का व्यू देख सकते हैं। और आज की वीडियो का जी मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मज़ा ही और होने वाला है। अभी हम अपनी कुकिंग वगैरह शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो दरिया से दूर आके कैंपिंग करने का, दरिया से दूर टेंट लगाने का हमें ये डिसएडवांटेज हुआ है कि अब हमें जो अपना मोर वगैरह है, जो सब्जियां वगैरह हैं, ये धोने के लिए दरिया पे आना पड़ा है। तो अभी हम यहाँ पर धोएंगे, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर वहाँ पर कैंपिंग अगर दरिया के किनारे पर हो जाती तो क्या ही मज़ा हो जाता, लेकिन वो जगह जो है व्यू के एतबार से इससे भी ज़्यादा प्यारी है। अभी ये कढ़ाई में हमने अपना गोश्त चिकन सारा डाल लिया है, इसको अभी अच्छे तरीके से हम यहाँ पर धो लेंगे। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है चिकन कढ़ाई बनाने का, अल्लाह करे अच्छी बन जाए। मैंने कहा आज अपने नाजरीन के लिए कुछ डिफरेंट तरह की वीडियो लेकर आऊँ, तो मैंने कहा कि चलें साथ हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा, खाना पीना भी हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी।
मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो चुका है, धूप वगैरह हट चुकी है और बड़े ही हम इंजॉय कर रहे हैं। अभी कढ़ाई बनाने के लिए हमें लहसुन का पेस्ट भी चाहिए होता है, तो पेस्ट बनाने के लिए यहाँ इस पत्थर का हम इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले साफ कर लेते हैं। देखिए ये आगे हमारे पास लहसुन, और देखते हैं अभी देसी तरीके से कि इसका पेस्ट वगैरह बनता है या नहीं। हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, ऑयल, चिकन, और ये देखें लहसुन का पेस्ट हम वहाँ से पत्थर के ऊपर रख कर लाए थे, और ये टमाटर और बाकी धनिया वगैरह है हमारे पास। अभी शुरू करते हैं अपनी कुकिंग, और ये देखें सामने क्या नज़ारा है। जिस जगह हम बैठे हुए हैं मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये हमारा कैंप लगा हुआ है, ये सामने हमारा सिलेंडर और कुकिंग का सारा सिस्टम वगैरह, और सामने व्यू देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ही बात है। चिकन अभी हम अपना डालेंगे जी इसमें। हमारे हीटर का, सिलेंडर का थोड़ा सा मसला बन चुका है, थोड़ी इसकी स्पीड स्लो है, लेकिन चलिए जहाँ 20 मिनट लगते हैं वहाँ 40 लग जाएंगे, लेकिन जिस काम के लिए हम आए हुए हैं वो इंशाल्लाह करके यहाँ से जाएंगे। और देखें कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू है, ये हमारा कैंप आ गया, पीछे हमारी गाड़ी, और ये सामने दिखाएं, सामने देखें दरिया का कितना खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पर बैठे हुए हम कुकिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद अभी सनसेट भी होने वाला है, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह यहाँ से आज खाना खा के ही जाएंगे। ये देखें जी अभी हमारा चिकन जो है रोस्ट हो रहा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, आह हा सुभान अल्लाह। पहले तो हम ना उम्मीद हो गए थे क्योंकि हमारा सिलेंडर आग नहीं ले रहा था, लेकिन फिर जब ये अभी इसने जलना स्टार्ट किया है तो अभी हमारी भी उम्मीद जो है जागी है कि चलें कढ़ाई वगैरह यहाँ से खा के ही जाएंगे। यहाँ पर कैंप को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेंडर ने हमें धोखा दे दिया है। तो असल में हुआ ये कि इसने हमें दे दिया धोखा। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर हमें एक चूल्हा बना हुआ नज़र आया है, वहाँ पर लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, सारा सामान वगैरह ले कर जाएंगे अभी, और वहाँ पर अब लकड़ियों पर जी बनानी पड़ेगी हमें ये अपनी कढ़ाई, और मामलात बड़े ही आउट हो चुके हैं, देर हो चुकी है, हमें भूख लग चुकी है, लेकिन क्या कह सकते हैं, अभी होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। आते हुए हमें ये ख्याल नहीं आया कि अपने सिलेंडर को देख लें एक दफ़ा, इसने बड़ा ही यहाँ पे ख्वारी कर दी है हमारी। खैर जिस काम के लिए आए थे वो तो करके ही जाना है भाई जान। कैंप वो ट्रांसफ़र हो चुका है हमारा, और अभी नया एडवेंचर आप लोग देखेंगे क्योंकि हम आग जलाएंगे लकड़ियों की और फिर कढ़ाई बनेगी, पता नहीं अब बनती भी है कि नहीं, इंशाल्लाह बनेगी। हाय 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 भाई साहब, देखिए आग भी जल चुकी है आखिरकार, अभी तो ऊपर ऊपर से ही जली है, नीचे नीचे से नहीं जली। कैंप अभी हमने देखे वो गाड़ी के पास था, अभी वहां से इधर ट्रांसफर हो चुका है हमारा कैंप। ओए होए 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 क्या ही व्यूज हैं यार। जो भी है कढ़ाई बने ना बने नज़ारे आप लोगों ने देख लिए हैं, एंजॉय कर लिए हैं। आग वगैरह जल चुकी है जी, और काफी ज्यादा ख्वारी हुई है आज। वैसे 2 बजे हम लोग आए थे, ऊपर से 5 बज चुके हैं, 2 बजे यहाँ तो नहीं पहुंचे, 3:30 पहुंचे होंगे गालिबन, तो अभी लेकिन 5:30 बज चुके हैं। सिलेंडर ने काफी ख्वार किया, लेकिन अभी देखें और ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ हो चुकी है। अभी हम लोग लकड़ियों की आग पे जो है कढ़ाई बना रहे हैं, पता नहीं अभी कैसी बनती है कैसी नहीं बनती, लेकिन ये है कि एक एडवेंचर जो था और हमारी जो है ख्वाहिश थी कि इस तरह के जंगल में बैठकर और इस तरह कैंपिंग हो, साथ कुकिंग हो, तो वो हमारा जो है मोटिव जो था वो पूरा हो चुका है। बाकी अभी कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ तो खाते ही रहते हैं, आज कोई ना भी अच्छी बनी तो खैर कोई मसले की बात नहीं, लेकिन उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। तो आपने इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखनी है, और जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो अगर आपका कमेंट्स आ जाते हैं, लाइक्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये सारी मेहनत जो है हम समझते हैं कि जी हमारी मेहनत ज़ाया नहीं गई, तो इसलिए आपने ज़रूर लाइक वगैरह करना है। कढ़ाई हमारी रोस्ट हो रही है अभी, और वो देखें सामने नीम टमाटर वगैरह काट रहा है,
टमाटर काट के। तो बाकी ये अब्दुलरहमान, ये लकड़ियाँ इसके जिम्मे की हुई हैं, हमने लकड़ियाँ इसने लाई हैं, ये देखें। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडवेंचर हुआ है जी आज, इतनी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा सीन आज हो चुका है। ये अभी हमारा प्याज और मिर्ची वगैरह सारा कुछ कढ़ाई में आ चुका है जी। अभी इसमें पानी वगैरह डाल के टमाटर प्याज जो जो चीज़ें डलती थी हमने डाल दी हैं। अभी इसके नीचे आग भी इसी तरह जलती रहेगी, थोड़ा सा ऊपर से इसको इसका ढकना दे के कवर करके 5-1 मिनट हम रखेंगे, ताकि ये जो टमाटर वगैरह हैं सारा कुछ बीच में अच्छी तरह पेस्ट बन जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर देखेंगे जी कढ़ाई हमारी किस तरह बनी है। आज जो एडवेंचर हुआ है जी उसके बारे में आप ना ही पूछें, बहुत ही कसम से बहुत ही मज़ा आया है आज की वीडियो बनाने का और आज का इधर एंजॉय वगैरह करने का। बज़ाहिर तो ये है कि मामला काफ़ी ख़राब हुए, पहले सिलेंडर ने मसला बनाया, सारा कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की करनी देखें, हमें यहाँ चूल्हा बना बनाया मिल गया, 7 लकड़ियाँ ये वाली कुछ यहाँ पड़ी हुई थी, कुछ हमने इधर उधर से चुन के आग वगैरह जलाई। अभी हमारी कढ़ाई तकरीबन ऑलमोस्ट अभी आखिरी मराइल में है, अभी बस कढ़ाई जब फुल तैयार हो जाएगी ऊपर क्रीम श्रीम डालेंगे इंशाल्लाह, और अभी खाते वक्त यहाँ अंदर बैठकर इंशाल्लाह हम कढ़ाई वगैरह अपनी खाएंगे। टाइम अभी तकरीबन 6 बजने वाले हैं, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, तो दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। और वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि जितनी मेहनत हो चुकी है इस वीडियो पे, तो अगर इस पर व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, लाइक्स कमेंट्स आपके आ जाएंगे, तो दिल बड़ा खुश हो जाएगा। फाइनल लुक देखें जी आप हमारी कढ़ाई की, ओए होए 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 होए, देख के ही कसम से इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, क्या बताऊँ आपको। और बिल्कुल देखें बिल्कुल हड्डियाँ गोश्त से अलग हो चुकी हैं, सही हमने इसको सही गलाया है, इसको हमने कहा कच्चा ना रहे चिकन। और बाकी खैर है, ये देखें ये देखें, आह हा हा हा, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। ये सामने हमारा टेंट, यहाँ पर अभी बैठते हैं फिर खाना पीना इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ये हमारे नईम भाई जी अरफान मौला हैं, देखें अभी रोटियां हम लाए थे 3 बजे, वो ठंडी हो चुकी थी, अभी कढ़ाई के ऊपर रख कर रोटियां भी गर्म की जा रही हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। अभी टेस्ट करते हैं जी हमने जो कारनामा किया है, ये है कैसा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऑप्टिमम बाइट बनाएंगे हम, जिसमें गोटी वगैरह भी होगी और सारा कुछ। ये देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या ही बताऊँ आपको, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। आप कह रहे होंगे कि हमने ख़ुद बनाई है, उस वजह से मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो दोस्त देख रहे हैं और स्पेशली जो नादिश भाई अगर मुझे देख रहे हैं, तो नादिश भाई बहुत आउट क्लास कढ़ाई बनी है जी, जिस तरह आप बनाते होते हैं बिल्कुल वही टेस्ट है, और बहुत ही आउट क्लास। अभी दूसरे भाइयों को भी टेस्ट करवाते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि कैसी लगी उनको, माशाल्लाह मज़ा आ गया जी, माशाल्लाह जी, क्या व्यूज़ हैं क्या व्यूज़ हैं, आई हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। और टेस्ट मैंने तो कर ली है, अभी अपने इन भाइयों से भी पूछता हूँ इनको टेस्ट कैसा लगा है जी। नहीं भाई जी सर, ज़बरदस्त, ऐसी कभी होटल में भी नहीं खाई जैसी ये कढ़ाई आज बनी है, बहुत अच्छा था क्या अब्दुलरहमान, अच्छी कढ़ाई है, तो घर में भी नहीं खाई कभी। चलिए अभी खाना जाना खाते हैं, भूख लगी हुई है, फिर इंशाल्लाह अपना कैंप वगैरह भी फोल्ड करना है और यहाँ से जाना भी है। आज का हमारा एडवेंचर भी पूरा हो चुका है जी, हमने आग जलाई, कढ़ाई बनाई, कैंप लगाया यहाँ पर, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कढ़ाई भी बनी, काफ़ी मज़ा आया हमें, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, जंगल के बीचों बीच अभी हम लोग बैठे हुए हैं। और इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे, उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें,
आप लोगों की वजह से, आप लोगों के लिए इतनी दूर हम लोग आकर यहाँ इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है। अगर इस पर अच्छे व्यूज़ और लाइक्स कमेंट्स अच्छे अच्छे आप लोगों के आ जाते हैं तो हमारा भी दिल खुश हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।